अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, सोनी के किचन में खुश आमदीद। अपने प्यारे प्यारे से नाज़रीन को एक दफ़ा फिर एक बहुत ही मज़ेदार रेसिपी सिखाने लगी हूँ। जी हाँ, आज मैं आपको सिखाने लगी हूँ बेक चिकन, जिसको आप स्टीम भी कर सकते हैं और अपने ओवन में बेक करेंगे मेरे स्टाइल में। इंग्रेडिएंट कार्ड में इंग्रेडिएंट्स आप देख सकती हैं, मैं वन बाय वन दिखाती चलो। ये मेरे पास 40 पीसेज हैं लेग क्वार्टर्स के, चिकन लेग क्वार्टर्स। ये मैंने थाइज़ और जो इसके रान है वो अलग की हुई है, और इसमें कट लगाया हुआ, डीप कट लगे हुए आप देख सकते हैं। और इनको मैंने धो के अच्छी तरह से इसको रखा हुआ था एक बास्केट में, ताकि ये इसमें से पानी निकल जाए सारा। जो हम स्पाइसेस इसको मैरिनेट करने के लिए लगाएंगे, उसमें है सबसे पहले कोरिएंडर पाउडर 3 टेबल स्पून, रेड चिली पाउडर 2 टेबल स्पून, कुकिंग ऑयल 3 टेबल स्पून, सॉल्ट 2 टेबल स्पून, गार्लिक एंड जिंजर पेस्ट 4 टेबल स्पून, रेड चिली फ्लेक्स 1 टेबल स्पून, कोरिएंडर पाउडर 2 टेबल स्पून, लेमन जूस 2 टेबल स्पून, टर्मेरिक पाउडर 1 टेबल स्पून, 1 कप योगर्ट और रेड फूड कलर। तो जनाब चलें शुरू करते हैं इस बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी को, जो कि बच्चे और बड़े सबका बहुत फेवरेट है। तो चलें शुरू करते हैं। हम अपने चिकन को बेक करना है, तो हमने उसके लिए पहले स्पाइसेस का हम मसाला तैयार कर लें, मिक्स कर लें। तो मैंने बड़ा सा एक कंटेनर लिया है और उसके अंदर मैं डालने लगी हूँ, ये हमारे पास 1 कप था दही, ये 1 कप दही इसके अंदर जाएगा। चम्मच मैं निकाल लेती हूँ, इसे हम यूज़ करेंगे अभी मिक्स करने के लिए। फिर हमने अब इस 1 कप दही के अंदर डालना है कोरिएंडर पाउडर 2 टेबल स्पून है, रेड चिली फ्लेक्स मैं तकरीबन 2 टेबल स्पून डाल रही हूँ। इसके बाद इसके अंदर जाएगी हल्दी, हल्दी मैं ज़रूर इस्तेमाल करती हूँ अपने खानों में, बहुत ही न्यूट्रिशियस और हेल्दी चीज़ है। इसके बाद अब इसके अंदर जाएगी रेड चिली पाउडर भी 1 टू 2 टेबल स्पून। अगर आपको कम स्पाइसेस पसंद है तो आप कम डालें व्यूअर्स। इसके अंदर नेक्स्ट जो जाएगी वो है ऑयल, ये है 2 टेबल स्पून ऑयल। और फिर जनाब इसके अंदर अब जाएगा जिंजर गार्लिक पेस्ट, ये मेरे पास मिक्सचर है, ये 2 2 टेबल स्पून दोनों यानी 4 टेबल स्पून है। नेक्स्ट चीज़ जो इसके अंदर जाएगी वो होगी हमारी क्यूमिन पाउडर, और फिर जाएगा इसके अंदर लेमन जूस। फिर हमने इसके अंदर डालना है नमक या सॉल्ट अपने टेस्ट के हिसाब से आप डालें। और इसको हमने मिक्स करने से पहले एक और मेरी जो ख़ास इंग्रेडिएंट है, जिसको मैं यहाँ पर जो है बेक चिकन में ज़रूर डालती हूँ, वो है रेड फूड कलर। बिल्कुल थोड़ा सा रेड फूड कलर डालूँगी, आप समझ लें कि हाफ टी स्पून से भी कम, 2 या 3 पिंच। और अब हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे, इतना अच्छा मिक्स करेंगे व्यूअर्स कि ये सारे स्पाइसेस बिल्कुल यकजान हो जाएं। और उसके बाद हमें अपने इस स्पाइसेस के अंदर चिकन के लेग क्वार्टर्स, उसको हम मिक्स करके इसके अंदर लपेट के रखेंगे। ओवरनाइट मैं हमेशा अपने बेक चिकन जब भी करती हूँ ओवरनाइट इनको रख देती हूँ मसाले में मैरिनेट होने के लिए। सो व्यूअर्स अब देखें कितनी अच्छी शक्ल लग रही है, बिल्कुल मिक्स हो रहा है अच्छी तरीके से। मिक्स कर लेते हैं, बच्चे और बड़े सब बड़े शौक से खाते हैं, और स्पेशली अब मुझे चूँकि अपने ईद ईद के लिए भी बनाना था, तो बेक चिकन मैंने सोचा कि ये जो 40 पीसेस हैं ये मैं आपके सामने बनाती हूँ और इसको रिकॉर्ड कर लेती हूँ। तो अब आप देखते जाएं व्यूवर्स, अब मसाला हमारा तैयार है और मैंने इसके अंदर इसको इस तरह से लगाना है। और आपको मैं बताते चलूँ, चूँकि हमने फूड कलर रेड इसमें डाला हुआ है, तो आप अपना अगर हाथ लगाएंगे तो हाथ पूरा रेड हो जाएगा। सो अगर आपके पास ग्लव्स है तो प्लीज़ आप ग्लव्स यूज़ करें। अच्छा, इसको हम एक दूसरे बर्तन में निकाल लेते हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं किस तरह से ये सारे 40 पीसेस को इसमें मैरिनेट करती हूँ। जी व्यूअर्स, हमने जो है वो चिकन को मसाले के साथ मैरिनेट करने के लिए अब रखने लगी हूँ मैं। मैंने एक बड़े फॉइल में 20 पीसेस को सेपरेट थोड़ा डिस्टेंस करके रख दिया है, तो अब एक रात ये जो है ये फ्रिज में रहेगा। फिर उसके बाद इसको मैं ओवन में बेक करूँगी 350 डिग्री फ़ारेनहाइट पर 3 घंटे के लिए, और फिर मैं आपको दिखाऊँगी कि इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। व्यूअर्स, हमने जो है वो अपना बेक चिकन उसको जो है ट्रे में रख लिया है, सजा लिया है, आप देख रही हैं
ये मेरे पास 40 पीसेस हैं और मैंने जो है ऐसे 3 एल्युमिनियम फॉइल के ट्रे में रखा है। अब मैं इसको जो है वन बाय वन कवर करूँगी एल्युमिनियम फॉइल से। एल्युमिनियम फॉइल से कवर करने के लिए बात इसको जब आप बेक करेंगी तो ये अंदर से बहुत अच्छी तरह से स्टीम टाइप जलेगा। इस तरह से हम चौथा से कवर करते हैं और फिर इसको हमें ओवन में डालते हैं। हम ओवन हमारा पहले ही 350 डिग्री फ़ारेनहाइट पर प्रीहीट होने में लगा हुआ है। आई थिंक ये देखें, ये जनाब ये रेडी भी हो गया है और हम इसको जो है अपने ओवन में डालेंगे 3 से 4 घंटे के लिए। व्यूअर्स, आप बेक चिकन जो है ओवन में भी बना सकती हैं, आप इसको डीप फ्राई भी कर सकती हैं। अगर आपका दिल करे तो आप अपने कढ़ाई में आप इसको फ्राई भी कर लें, या फिर अगर आपके पास एयर फ्रायर मौजूद है तो आप एयर फ्रायर में भी डाल के इसको पका सकते हैं। चलें, अब ये हमारे बेक चिकन ओवन के अंदर जाएंगे 3 से 4 घंटे तकरीबन बेक होने के लिए। फिर मैं आपको दिखाऊंगी इसकी फाइनल शक्ल। जी व्यूअर्स, आप देख लें हमारे जो बेक चिकन हैं ये बिल्कुल तैयार हो गए हैं और इसको मैंने एक ही बड़े से फॉइल ट्रे में रख लिया है और ये कितने मज़े की शक्ल लग रही है। फुली कुक्ड है, अंदर तक टेंडर टेंडर नरम जूसी ज़बरदस्त मज़ेदार चिकन लेग क्वार्टर्स अपने घर में ज़रूर बनाइएगा और अपने प्यारों के साथ एंजॉय कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ आज की डिश भी आपको बहुत पसंद आएगी, तो अपने प्यारों के साथ इसको एंजॉय करें। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। फिर अपना बहुत ख्याल रखिएगा, फिर मिलेंगे और मज़े मज़े की रेसिपीज़ के साथ। बाय।